तीन डब्बा ये आंवला का अचार और ये दो डब्बा मूली की अचार और ये दो डब्बा एलिफेंट एप्पल का अचार। तो यहाँ पर मैंने आंवला को बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा आंवला ही है, पेड़ बहुत ऊंचा है ना। एवरीवन कार्डम खुलम भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालिन व्लॉग्स। तो गाइस आज का व्लॉग्स है, मैं अचार बनाऊंगी। थ्री टाइप्स का अचार आज मैं बनाने वाली हूँ। एक तो है आंवला, उसके बाद एलिफेंट एप्पल और लास्ट में होगा मूली की अचार। तो मैं थ्री टाइप्स का आज अचार बनाऊंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर मैं आंवला को बॉइल कर रही हूँ, पहले आंवला का अचार बना लेते हैं, उसके बाद मूली या एलिफेंट एप्पल का अचार भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंवला को बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा आंवला ही है, पेड़ बहुत ऊंचा है ना, तो ज़्यादा नहीं ले पाई मैं, थोड़ा करके यहाँ पर मैंने बॉईल कर दिया है। उसके बाद मैं एलिफेंट एप्पल और मूली की अचार भी बनाऊंगी साथ में। आज तो मेरा ड्यूटी है अचार बनाना। काफ़ी दिनों से सोच रही थी अचार बनाऊंगी, लेकिन आज टाइम मिला है, उसको पहले बॉयल होने देते हैं। तो मैं इस एलिफेंट एप्पल को भी काट लेती हूँ। तो ये मैंने गांव से लाया है, तो अब इसको काट के बॉईल करते हैं गाइस। थोड़ा बहुत बॉईल करना चाहिए इसको भी। तो तीनों एलिफेंट एप्पल काटने के बाद इतना सारा निकला है, तो अभी इसको मैं धो के बॉईल करती हूँ। ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना चाहिए, थोड़ा 5 मिनट्स या 3 मिनट्स बॉईल करना चाहिए, उसके बाद बनाएंगे हम। बॉइलिंग होने दो उसको, आंवला ठंडा हो चुका है। चलो उसका कुटली निकाल लेते हैं। ये देखो इतनी आसानी से निकल गया है कुटली, तो ऐसे प्रेस करने से निकल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने मूली को भी काट लिया है, देखो मैंने बड़ा बड़ा पीस करके काटा है। मैंने सारे मसाले को भून लिया है, सौंफ, जीरा, धनिया, इसको अभी ग्राइंड करना है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ग्राइंड करेंगे, अभी गर्म है बहुत। मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है, ये है मूली, आंवला और ये एलिफेंट एप्पल, सारा मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं तेल गर्म कर रही हूँ, तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालूंगी मैं। बॉटल भी मैंने सब रेडी कर लिया है, ये देखो अर्पल लगा दिया है, ठंडा हो गया था ना, तो तेल भी मिक्स कर लिया अचार के साथ, मसाला भी मिक्स कर लिया। अभी हम इसके डब्बे पे भरते हैं। ये रे सारे डब्बे मैंने साफ करके रखा है। सारा अचार मैंने डब्बा पर रख दिया है, ये तीन डब्बा ये आंवला का अचार और ये दो डब्बा मूली की अचार और ये दो डब्बा एलिफेंट एप्पल का अचार। ये देखो बना लिया है मैंने, ये रेडी है खाने में। आज दिन भर लगा इस अचार को बनाने में, मैं काफी थक चुकी हूँ आज। तो गाइस मैंने ये वाला आंवला कुछ चटपटी आंवला बनाने के लिए यहाँ पर रखा है, तो बहुत सारा है यहाँ अब, ये उधर में भी है, हालत खराब हो जाता है ये गुटली अलग करने में, यही ज़्यादा टाइम लगता है। मैं हर साल की तरह इस साल भी चटपटी आंवला बनाऊंगी। अचार तो मैंने कल बना लिया है, आंवला का अचार, कुछ एलिफेंट एप्पल मूली के अचार सब बना लिया है, आज मैं ये चटपटी आंवला बनाऊंगी।
तो आंवला की गुठली अलग करने के लिए मैं यहाँ पर अपने हाथों पर पॉलिथीन लगा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने पॉलिथीन नहीं लगाया था तो मेरा पूरा हाथ गंदा हो गया था। तो आज मैं पॉलिथीन लगा के देखती हूँ कैसा होता है, गुठली को अलग करने में आसानी होता है कि प्रॉब्लम होता है। तो चलो गाइस गुठली को ही अलग करते हैं। तो कल मैंने रेस्ट नहीं किया था, पूरे दिन काम किया तो कल मैंने रेस्ट नहीं लिया, इसलिए मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं ऑपरेशन करने के बाद मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होते रहते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी कमर पर बेल्ट लगा लिया है। जब ये बेल्ट लगाती हूँ ना तो कमर में थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए आज मैंने यहाँ पर बेल लगा। मैंने जो मेहनत किया उसका फल मिलेगा कि नहीं, फल मतलब मेरा जो मैंने अचार बनाया या ये आमला चटपटा आमला बनाया, सबको पसंद आते हैं तो अच्छा लगता है मन को, लेकिन पसंद नहीं आते तो मन को अच्छा नहीं लगता है। तो बाद में पता चलेगा रिजल्ट तो सबको पसंद आते हैं कि नहीं। ऐसे पॉलिथीन में खोल रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है, ये काफी टाइम लग रहा है मुझे, तो मैं अपने हाथ से फटाफट कर लेती हूँ। उधर में भी है ना, ऐसे फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन बहुत गंदा हो जाता है। देखो ये कल का है, बहुत गंदा हो गया मेरा नेल्स हाथ वगैरह, फिर भी जल्दी करने के लिए मुझे ये तो करना पड़ेगा। गाइस मैंने आमला को गुठली से अलग कर लिया है, बहुत टाइम लगा मुझे, मैं थक गई हूँ ये आंवला और गुठली को अलग करने में। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ले लिया, एक नींबू बड़ा वाला नींबू, ये घर से लाया था मैंने, गांव से माँ ने दिया है। और उसके बाद ये अजवाइन कल मार्केट से लाया है, ये अजवाइन का बहुत दाम है रे, बहुत दाम है ये। तो मैं अजवाइन को बूंद बूंद लूंगी, ये 100 100 ग्राम्स का 60 रुपीज़ लिया है अजवाइन, तो पैसा नहीं था, 100 ग्राम्स ही ले आया, होगा कि नहीं पता नहीं। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी भून लेती हूँ, भूनने के बाद ग्राइंड करना है। तो गाइस ये प्रोसेस तो सेम ही है, हर साल जो मैं बनाती हूँ ना ये सेम ही है। मैंने नींबू भी दे दिया है, नमक भी दे दिया इसमें काला नमक, लेकिन जो मेरा नया सब्सक्राइबर है ना उनके लिए है ये, जो पहले वीडियो वो लोग नहीं देखा होगा शायद, इसलिए मैं ये नया फिर से बना रही हूँ आप लोगों के लिए। A few moments later. तो यहाँ पर मैंने धूप पे सुखा दिया है, ये दो है, दो सारा मसाला मिक्स करके अभी 2-3 दिन ऐसे ही धूप में रखना होगा, इसको सूखना पड़ेगा ना, तभी मैं इसको खा पाऊंगी। छटपटा, स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रही है गाइस, बहुत ही मजा आने वाली है।